तो दोस्तों आप सभी स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों रेलवे मिनिस्टर परीक्षा 17 दिसंबर 2020 का प्रथम पाली का पेपर संपन्न हो चुका है। इस बार पैटर्न बिल्कुल ही बदल चुका है, क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल ही बदल चुका है। रेलवे NTPC और ग्रुप डी के छात्रों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि इसी पैटर्न पर आधारित आप सभी का पेपर आने वाला है। तो आप लोगों के लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, अंत तक बने रहे। चैनल पे अगर आप लोग नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 17 दिसंबर के प्रथम पाली के सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट करने से पहले आप सभी बता दें रेलवे मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड की परीक्षा 17 दिसंबर 2020 की प्रथम पाली के क्वेश्चन हम लोगों के पास आ तो चुके हैं, लेकिन आपको कितने क्वेश्चन आते हैं NTPC ग्रुप डी वाले कैंडिडेटों के लिए कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आप लोगों की तैयारी यहाँ पर जाँचनी है। तो आप लोग बिल्कुल पेपर के तरीके से इस वीडियो को देखिएगा कि पेपर आपके सामने है, कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोगों को आता है कि नहीं आता है। तो पहला जो क्वेश्चन है, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाता है, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों का जो सही आंसर था वो था आपका काली मिट्टी को। काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। राइट आंसर आपका काली मिट्टी था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। LBW बहुत ही सरल क्वेश्चन, खेल से संबंधित। LBW शब्द किस खेल से है, तो आपको बता दें LBW अगर आप लोग क्रिकेट खेलें तो आप लोगों को पता होगा LBW क्रिकेट खेल से संबंधित आपका शब्द था। अगला जो है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती हैं, वायुमंडल की कौन सी परत सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो रेस होती हैं उनसे हमें बचाती है। तो आपको बता दें जो ओजोन परत होती है, ओजोन लेयर, ये दोस्तों हमको वायुमंडल में आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस से हमें बचाती है। तो राइट आंसर आपका ओजोन था, ओजोन। अगला जो है, ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका था अजमेर में। ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती जो दरगाह है वो आपकी अजमेर में राइट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन था, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। आप लोगों को अगर आते जा रहे हैं क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिखते जाइए। वो बता दें इसका जो राइट आंसर था वो था आपका था कलिंग युद्ध। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और बनता है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो आप लोग सन का नाम जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में, जिनको जिनको आता है जल्दी से लिख दीजिए कलिंग युद्ध कब हुआ था। तो अगला जो क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो आपका जो राइट आंसर था वो आपका था भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। सालर जंग म्यूजियम कहाँ है, सालर जंग म्यूजियम कहाँ है, तो आपको बता दें सालर जंग जो म्यूजियम है वो आपका हैदराबाद में है, हैदराबाद में सालर जंग म्यूजियम है। राइट आंसर आपका हैदराबाद था। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे थे, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे थे, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर था वो आपका था ज्योति बसु। ज्योति बसु पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती हैं और ये पश्चिम बंगाल की सबसे लंबे समय तक रहने वाली मुख्यमंत्री थी। राइट आंसर आपका ज्योति बसु था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संसार की सबसे लंबी नदी, संसार की दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी थी, तो आपको बताते हैं इसका जो राइट आंसर था वो आपका नील नदी था। नील नदी आपकी दुनिया की सबसे लंबी नदी थी, नील नदी आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट तापमान बराबर होता है, किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट तापमान बराबर होता है, तो इसका जो राइट आंसर था -40 डिग्री आपका आंसर सही था। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं और यही सारे क्वेश्चनों में से आपको देखिएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्सपीरियंस है 2018 का रेलवे ग्रुप डी परीक्षा का पूरा पैटर्न, एग्ज़ाम का पहला जो पेपर हुआ था उसी पैटर्न पर आधारित सारे शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड का जो एग्ज़ाम हो रहा है NTPC के बहुत ही ज़्यादा मददगार होगा इसका एनालिसिस करना NTPC के जितने भी ग्रुप डी के कैंडिडेट हैं उनके लिए, क्योंकि इन्हीं पैटर्नों पर आधारित आप सभी के क्वेश्चन आगे की भी शिफ्टों में पूछे जाने वाले हैं। कासा किसकी मिश्र धातु है, कासा किसकी मिश्र धातु है, तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका तांबा और टिन था, तांबा और टिन कांसा मिस जो कांसा किसकी मिश्र धातु, तांबा और टिन का मिश्र धातु है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो आपको बता दें इसका जो राइट आंसर था वो आपका क्रिकेट था, दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। अगला जो क्वेश्चन है, LPG का पूर्ण विस्तार क्या होगा, LPG का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो आपको बता दें इसका जो राइट आंसर है वो आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस इज़ द राइट आंसर ऑफ LPG का फुल फॉर्म क्या था।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। गीता रहस्य जो पुस्तक है उसके राइटर कौन है? हु इज़ द राइटर ऑफ गीता रहस्य? तो आपको बता दें इसका जो राइट आंसर था वो आपका बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक जो है वो लिखी थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर दो वर्ष बाद होता है? राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर दो वर्ष बाद होता है? तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका आपका था एक तिहाई सदस्यों का। एक तिहाई राज्यसभा के एक तिहाई सदस्यों का जो चुनाव है हर दो वर्ष में होता रहता है। अगला जो क्वेश्चन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो इसका जो राइट आंसर वो आपका चार वर्षों का। चार वर्ष राइट आंसर था। अमेरिकी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो चार वर्षों का होता है। इसके बाद फिर से चुनाव होते हैं। आपको बता रहे संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका था राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। राइट आंसर आपका क्या था? राष्ट्रपति इज द राइट आंसर। राष्ट्रपति के बाद ही ये अधिकार है कि वो संसद का संयुक्त अधिवेशन को बुला सके। लाल मिट्टी का जो रंग है लाल क्यों होता है? लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो आपको बता दें लौह ऑक्साइड की उपस्थिति कारण, लौह ऑक्साइड की उपस्थिति कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। अगला जो क्वेश्चन था कि भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका था भारत की 51% क्षेत्रफल पर आपका खेती की जाती है। एग्रीकल्चर जो होता है भारत के 51% क्षेत्रफल पर एरिया पर की जाती है। जो अगला क्वेश्चन था भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? आपको बता दें जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है उसको हम लोग झूम खेती कहते हैं। इसमें एक बार खेत किया जाता है, इसके बाद अनाज को वहाँ पे फिर उसको जला दिया जाता है। एक बार जब फसल तैयार हो जाती है उसको काट लिया जाता है, फिर जो जड़ें बचती हैं उनको फिर जला दिया जाता है और कुछ सालों बाद वही जो होते हैं फिर से खाद के रूप में बन जाती हैं, फिर वहाँ पर खेती की जाती है। इस प्रकार खेती को हम लोग झूम खेती कहते हैं। तो ये था आपका भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जंगलों काटकर जो खेती जाती है वो झूम खेती कहलाती है। अगला जो क्वेश्चन है कोयला नगरी किसे कहा जाता है? कोयला नगरी किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका था धनबाद। धनबाद को कोयला नगरी कहा जाता है। धनबाद को कोयला नगरी कहा जाता है। धनबाद को कोयला नगरी कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है पाँच नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पाँच नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर था वो आता आपका था पंजाब। पंजाब को पाँच नदियों की भूमि कहा जाता है। पंजाब को पाँच नदियों की भूमि कहा जाता है। अगला जो है सात टापुओं का शहर। सात टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? सात टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका था मुंबई। मुंबई को सात टापुओं का शहर कहा जाता है। मुंबई आपका राइट आंसर था। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? देखिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी लिए हैं जो उसी से रिलेटेड हो, क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चन ही आप सभी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछा गया है तो ये क्वेश्चन आप दोबारा नहीं पूछा जाएगा और बहुत ही कम चांसेस हैं, लेकिन इसके जो रिलेटेड हैं अगल बगल के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो यही पैटर्न पर आधारित आप सभी के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम सब तैयार करके लाएं। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? तो पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? तो आपका बेंगलुरु जो है ये राइट आंसर है। अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। डायमंड हार्बर किसे कहा जाता है? डायमंड हार्बर किसे कहा जाता है? तो कोलकाता को डायमंड हार्बर कहा जाता है। राइट आंसर आपका कोलकाता था। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है। बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? मदुरै को हम लोग त्योहारों का नगर भी कहते हैं। राइट आंसर आपका क्या था? मदुरै को हम लोग त्योहारों का नगर भी कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन था कि स्वर्ण मंदिर कहाँ का शहर है और का शहर किसे कहा जाता है? स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर आप सभी को पता होगा अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर भी कहा जाता है। महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो नवाबों का शहर आपका लखनऊ को कहा जाता है। तो अगला जो क्वेश्चन है इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? इस्पात नगरी किसे कहते हैं? तो आपको पता है जमशेदपुर। जमशेदपुर को हम लोग इस्पात नगरी भी कहते हैं। राइट आंसर आपका जमशेदपुर है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका मसूरी है। मसूरी को पर्वतों की रानी भी कहा जाता है।
मसूरी शहर को पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। रैलियों का शहर किसे कहा जाता है? तो रैलियों का शहर आपका नई दिल्ली को कहा जाता है, नई दिल्ली को रैलियों का शहर कहा जाता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग रट लीजिएगा दोबारा से वीडियो देख के। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो भारत का प्रवेश द्वार आपका मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं, राइट आंसर आपका मुंबई है। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? पूर्व का वेनिस जो है वो कोची कहा जाता है, कोची को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो भारत का पिट्सबर्ग आपका जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर आपका अहमदाबाद को कहा जाता है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा आपका केरल को कहते हैं। गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? तो जयपुर को गुलाबी नगर कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन यहाँ से समाप्त होते हैं। तो आज की ये सारे क्वेश्चन हैं जिनमें हमने कुछ अपने भी क्वेश्चन ऐड किए थे लास्ट में, उसी पैटर्न पर आधारित। तो ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी, आपको दो तीन बार इस वीडियो को देखना है ताकि आप सभी क्वेश्चन आपके रट जाएँ।